हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको 4 नंबर की मोर पंख की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। और ड्रेस का पैटर्न हार्ड नहीं है, सिंपल है, आप आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस कर दें, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम चोली बना लेंगे। तो मैंने आपको चोली बनाना सिखाया हुआ है पहले भी वीडियो में, तो उस तरह से हम चोली बना लेंगे। तो ये 4 नंबर की चोली है और इसको मैंने 11 नंबर के क्रोशे से बनाया है। तो हम चोली को बना लेंगे और अब हम स्टार्ट करेंगे घेरा। तो हम घेरे का फर्स्ट राउंड करेंगे। पहले हम चैन बनाएंगे, तो यहाँ पर हमें 2 चैन बनानी है, 1 और 2। और हम नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 2 चैन बनाने के बाद में जो चैन है नेक्स्ट, उसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया करना है। एक बार कर दिया है और अब सेम चैन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे 2। और फिर से नेक्स्ट चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। नेक्स्ट चैन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। नेक्स्ट चैन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और सेम चैन में 2। तो इस तरह से हम पूरे राउंड में, यानी फर्स्ट राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो पूरे राउंड में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे सभी चैन में। तो फर्स्ट राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मैं इसको यहाँ पर लास्ट में, तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो लास्ट में चैन है उसके अंदर क्रोशे हुक को डालूँगी इस तरह से और स्लिप स्टिच करूँगी। तो आप देखिए मैं कैसे करती हूँ स्लिप स्टिच, इस तरह से। तो स्लिप स्टिच कर लेंगे, तो ये राउंड हमारा जुड़ चुका है। अब हम सेकंड राउंड शुरू करेंगे। तो सेकंड राउंड बनाने के लिए मैं 2 चैन बनाऊँगी। एक, दो। 2 चैन बनाने के बाद में जो नेक्स्ट चैन है उसके अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो सभी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। नेक्स्ट चैन है इसके अंदर हम 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट चैन में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट चैन में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हम पूरे राउंड में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। और उसी तरह से जिस तरह हमने फर्स्ट राउंड को जोड़ा है, सेम उसी तरह से सेकंड राउंड को भी जोड़ लेंगे। तो सेकंड राउंड को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मैं इसको स्लिप स्टिच करके जोड़ दूँगी इस तरह से। और अब हम करेंगे थर्ड राउंड। फिर से 2 चैन बनाएंगे। राउंड को शुरू करने से पहले हमें 2 चैन बनाना ज़रूरी है, 1 और 2। तो नेक्स्ट चैन में 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे हम। 2 चैन बनाने के बाद नेक्स्ट चैन में 1 बार डबल क्रोशिया किया है और उसके बाद में नेक्स्ट चैन में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया कर लिया है और फिर से नेक्स्ट चैन में 1 और सेम चैन में 2। तो यहाँ पर हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया है, ठीक है। तो पहले हमने 1 और 2, 2 चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया किया है और जो नेक्स्ट चैन है थर्ड वाली उसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब हम नेक्स्ट चैन में और उससे अगली वाली चैन में, यानी नेक्स्ट की 2 चैन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। यानी कि हमें 2 चैन में एक एक बार और तीसरी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो पहले हम 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चैन में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और सेम चैन में 2।
फिर से नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया और अब हम करेंगे नेक्स्ट चैन में दो बार डबल क्रोशिया, एक और सेम चैन में दो। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे और राउंड को लास्ट स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। तो थर्ड राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसको स्लिप स्टिच करके जोड़ लिया है। तो फोर्थ राउंड करूँगी और पहले मैं दो चैन बना लूँगी। तो दो चैन बना ली है। तो थर्ड राउंड हो चुका है कंप्लीट, अब मैं करूँगी फोर्थ राउंड। तो फोर्थ राउंड करने के लिए हम बनाएंगे दो चैन। तो नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया करेंगे एक बार। तो यहाँ पर चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे और फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे दो बार डबल क्रोशिया, एक और सेम चैन में दो और फिर नेक्स्ट चैन में एक बार और नेक्स्ट में दो बार, एक और सेम चैन में दो। फिर से पहले एक बार करेंगे डबल क्रोशिया और अब नेक्स्ट चैन में करेंगे दो बार डबल क्रोशिया, एक और दो। तो इस तरह से हमें फोर्थ राउंड तक कंप्लीट कर लेना है। फोर्थ राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार मैं बताती हूँ कि कैसे किया है। पहले हमने किया है एक बार, फिर दो बार, फिर एक बार, फिर दो बार, फिर एक बार, फिर दो बार। तो इस तरह से आगे तक हम सेम पैटर्न यूज़ करते हुए फोर्थ राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने घेरा कंप्लीट कर लिया है। तो मैं बताती हूँ मैंने घेरे में कितने राउंड किए हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। तो आठ राउंड किए हैं। तो मैंने बाकी के राउंड भी सिंपल ही है, बाकी के राउंड भी इसी तरह से किए हैं कि पहले मैंने तीन चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया किया है और फिर चौथी चैन में दो बार डबल क्रोशिया किया है, तीन चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया किया है और चौथी चैन में दो दो बार डबल क्रोशिया किया है। तो इस तरह से हमें थोड़े थोड़े फंदे बढ़ाते हुए घेरा बनाना है। घेरा बनाना काफ़ी सिंपल है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में कि घेरा कैसे बनाया जाता है। तो आप मेरी पहली वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको घेरा बनाना सिखाया हुआ है। तो इस तरह से हम घेरे को बना लेंगे। तो अब हम बनाएंगे मोरपंख और मोरपंख बनाने के लिए हमें चार कलर की ऊन की ज़रूरत होगी। तो मेरे पास चार कलर की ऊन है, आप देख रहे हो मेरे पास है ब्लू कलर, ग्रीन कलर, स्काई ब्लू कलर और डार्क येलो कलर। तो ये चार कलर हैं, इनसे हम मोरपंख बनाएंगे। तो पहले मैं लूँगी स्काई ब्लू कलर का धागा। तो सबसे पहले हम नोट बनाएंगे। तो हमने नोट लगा लिया है और अब मैं बनाऊँगी चैन। तो हमें तीन चैन बनानी है, एक, दो, तीन। और जो फर्स्ट वाली चैन है उसके अंदर, जो फर्स्ट है उसके अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे, एक, और सेम चैन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, दो, सेम चैन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, तीन, सेम चैन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, चार, और सेम चैन में पाँच, इसी चैन में करना है हमें हर बार, और छः। तो छः तक हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इसके बाद हमें, पहले देखिए आपने एक ही चैन में छः बार डबल क्रोशिया किया है और इसके बाद हम ब्लू कलर का धागा जोड़ेंगे। तो यहीं पर हम धागे को ऐड कर लेंगे। और फिर इसी चैन में जिसमें हमने छः बार डबल क्रोशिया किया है उसी चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। अब नीले कलर के धागे से हम नौ बार करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये लास्ट है नौ। तो नौ बार हम डबल क्रोशिया कर लेंगे और अब हमें स्लिप स्टिच करना है।
तो हम करेंगे स्लिप स्टिच यहाँ पर जो लास्ट में चैन है उसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे इस तरह से और स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये इस तरह से गोल बन जाएगा। ये धागा निकल गया, इसको अंदर कर लेंगे। ये पता नहीं कैसे निकल गया, तो इसको हमने अंदर कर लिया है धागे को। इसके बाद में हम येलो कलर का धागा लेंगे, तो ये येलो कलर का हम धागा यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो जो चैन दिख रही है आपको फर्स्ट वाली, यहाँ पर इस चैन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, क्या करना है हमें, सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से निकालेंगे और दोनों में से धागे को पिक कर लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल क्रोशिया। अब सेम चैन में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया करना है, यानी हर एक चैन में हम दो दो बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसमें सिंगल क्रोशिया हो चुका है और नेक्स्ट चैन में फिर से हम दो बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक और दो। नेक्स्ट चैन में फिर से दो बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक और सेम चैन में दो। नेक्स्ट चैन में फिर से दो बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक और सेम चैन में दो। तो इसी तरह से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है, मतलब पूरे राउंड में हमें सभी चैन में दो दो बार सिंगल क्रोशिया करना है। तो हमने पूरे राउंड में दो दो बार सिंगल क्रोशिया कर लिया है, आप देख रहे हो किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा जोड़ लेंगे। तो ये ग्रीन कलर का धागा यहाँ पर हम जोड़ लेंगे इस तरह से। तो धागे को जोड़ लिया है और अब जो नेक्स्ट चैन है यहाँ पर क्रोशिया हुक को डालेंगे और दो बार, नहीं एक बार ही करेंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में, नेक्स्ट चैन में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चैन में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चैन में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट चैन में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट चैन में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ तक जो हाफ स्काई ब्लू कलर का धागे हैं वहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे एक एक बार। तो मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया है, आप देख रहे हो मैंने कहाँ तक सिंगल क्रोशिया किया है एक एक बार। अब हम नेक्स्ट चैन में जहाँ पर ब्लू कलर का धागा स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ से हम इस चैन में हम दो बार करेंगे सिंगल क्रोशिया। ठीक है, यहाँ पर हमने दो बार सिंगल क्रोशिया किया है, अब हम नेक्स्ट चैन में करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो दो बार करना है हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर से सेम चैन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट चैन में एक बार क्या करेंगे, डबल क्रोशिया। तो नेक्स्ट चैन में हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है इस तरह से और नेक्स्ट चैन में दो बार डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा पूरा तीन बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, एक और सेम चैन में दो इस तरह। तो यहाँ पर हमने पहले चैन में एक बार डबल क्रोशिया किया है और फिर नेक्स्ट चैन में दो बार डबल क्रोशिया किया है, तो टोटल हो चुके तीन। तो हमने तीन डबल क्रोशिया किया है। इसके बाद में हमें, अब हम नेक्स्ट चैन में
क्रोशे हुक पर दो बार लपेटे देंगे और फिर नेक्स्ट चैन में स्टार्ट करेंगे बुनना। तो हम कैसे करेंगे, दो बार लपेटे दिए तो पहले फर्स्ट में से पिक करेंगे, फिर सेकंड में से और थर्ड में से इस तरह। फिर से दो बार लपेटे देंगे और नेक्स्ट चैन में, इस बार हम नेक्स्ट चैन में बुनेंगे तो पहले फर्स्ट में से पिक करेंगे धागे को, सेकंड में से और थर्ड में से। फिर से दो लपेटे देंगे और सेम चैन में फिर से फर्स्ट में से पिक करेंगे, सेकंड में से और थर्ड में से। तो हमने यहाँ पर भी सेम तीन बार बनाए हैं। अब हम यहाँ पर देंगे तीन लपेटे क्रोशे हुक पर, ठीक है, एक दो तीन। तो तीन लपेटे दे चुकी हूँ मैं। अब नेक्स्ट चैन में हम यहाँ पर दो बार बुनेंगे, ठीक है। फर्स्ट में से पिक करेंगे, सेकंड में से, थर्ड में से और फोर्थ में से। हमने तीन बार लपेटे दिए तो क्या हो गया, ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है। अब फिर से फर्स्ट में से पिक करेंगे, सेम चैन में बना रही हूँ मैं, सेकंड में से, थर्ड में से, फोर्थ में से। तो इस तरह से हमें करना है। अब नेक्स्ट चैन में हम करेंगे, तो ये हम दो बार ही बनाएंगे, तीन बार नहीं बनाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट चैन में चार लपेटे देंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट चैन में बुनेंगे। तो पहले फर्स्ट में से पिक करेंगे, सेकंड में से, थर्ड में से, फोर्थ में से, फिफ्थ में से। फिर से एक दो तीन चार, चार लपेटे देंगे और सेम चैन में फिर से हम बुनेंगे। फर्स्ट में से पिक करेंगे, सेकंड में से, थर्ड में से, फोर्थ में से और फिफ्थ में से। तो ये हमारा टॉप था, मतलब कि हमें यहाँ तक ही इंक्रीज़ करने थे। अब हम यहाँ से घटाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से घटाना शुरू कर देते हैं। अब हमें फिर से तीन लपेटे देने हैं। तो मैंने तीन लपेटे ले चुकी हूँ। अब फर्स्ट में से पिक करेंगे, सेकंड में से, थर्ड में से, फोर्थ में से। फिर से तीन लपेटे लेंगे और सेम चैन में फर्स्ट में से पिक करेंगे, सेकंड में से पिक, थर्ड में से पिक, फोर्थ में से पिक करेंगे, ठीक है। और फिर हम देंगे दो लपेटे और यहाँ पर नेक्स्ट चैन में फर्स्ट में से पिक करेंगे पहले, ठीक है, सेकंड में से, थर्ड में से। फिर से दो लपेटे देंगे और सेम चैन में फर्स्ट में से पिक करेंगे, सेकंड में से और थर्ड में से। फिर से दो लपेटे देंगे और नेक्स्ट चैन में एक बार बनाएंगे, फर्स्ट में से, सेकंड में से, थर्ड में से। अब हमें सिर्फ एक लपेटा देना है। यहाँ पर हम दो बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, फर्स्ट में से और सेकंड में से। फिर से सेम चैन में डबल क्रोशिया करेंगे, फर्स्ट में से, सेकंड में से। अब नेक्स्ट चैन में एक बार बनाएंगे, फर्स्ट में से, सेकंड में से। और अब हम करेंगे नेक्स्ट चैन में हाफ डबल क्रोशिया दो बार, एक और सेम चैन में दो। इसके बाद हम नेक्स्ट चैन में दो बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक और सेम चैन में दो, ठीक है। तो बाकी के हम जो चैन बचे हैं सब में एक एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो मैंने सब में एक एक बार सिंगल क्रोशिया कर लिया है, ये लास्ट है, लास्ट कर लेती हूँ। और अब मैं लास्ट में स्लिप स्टिच कर दूँगी।
और यहाँ से धागा कट कर लूँगी। तो इस तरह से हम मोरपंख बनाएंगे। तो हमें 12 मोरपंख बनाने हैं, तो हम 12 मोरपंख बना लेंगे। तो अब हम घेरा लेंगे और घेरे पर हम मोरपंख इस तरह से लगाएंगे और इसको हमें नीडल से स्टिच करना है। तो मैं नीडल में येलो कलर का धागा डाल लूँगी और देखना मैं कैसे कर रही हूँ, आप बस देखना मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। मैं इस तरह से स्टिच करूँगी कि आपको धागा चमकेगा नहीं येलो। अंदर की साइड में मैं डाल रही हूँ। धागे को इस तरह से और अंदर से ही नीचे की ओर डाल दूंगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमें पूरे मोरपंख को स्टिच कर लेना है। तो मैंने स्टिच कर लिया है देखो, और धागा बिल्कुल भी नहीं चमक रहा है। और अब मैं धागे को काटूंगी नहीं, यहीं से ही मैं नेक्स्ट पत्ती को जोड़ लूँगी। तो हम यहीं से नेक्स्ट पंख को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में ये इस तरह से दिखाई देगा। अब हम क्रोशिया हुक को यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पर हम नीले रंग का धागा जोड़ लेंगे। तो मैंने धागे को जोड़ लिया है। अब हम इस धागे को पत्ती में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें जोड़ना है, देखो मैं कहाँ पर जोड़ रही हूँ, वहाँ पर हम नीले रंग का धागा जोड़ लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम धागे को जोड़ लेंगे। अब हम तीन चैन बनाएंगे, 1, 2 और 3। और फर्स्ट वाली चैन के अंदर इस तरह से हम फर्स्ट वाली चैन में क्रोशिया हुक को डालेंगे और जोड़ लेंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे, यानी इस तरह से। अब पंख के नेक्स्ट चैन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से तीन चैन बनाएंगे, 1, 2, 3। और फिर से फर्स्ट वाली चैन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब नेक्स्ट चैन में हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। और फिर से तीन चैन बनाएंगे, 1, 2, 3। और फर्स्ट वाली चैन के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब नेक्स्ट पंख जो पंख है उसकी नेक्स्ट चैन में हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। तो स्लिप स्टिच करने के बाद में फिर से तीन चैन बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमें बनाना है। तो फिर से हम तीन चैन बनाएंगे, 1, 2, 3। और फर्स्ट वाली चैन में स्लिप स्टिच करेंगे। अब
नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच कर लेंगे पंख की, और फिर से तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन। फर्स्ट वाली चैन में स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है, और अब नेक्स्ट चैन में जो पंख है उसकी नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो हमें पूरे पंख में इसी तरह से करना है, यानी कि हमें, मैं बता दूँगी, यहाँ से लेके और यहाँ तक हमें सेम डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ तक हम सेम डिज़ाइन बना लेंगे। तो पहले मैं डिज़ाइन बना लेती हूँ यहाँ तक। तो मैंने यहाँ तक सेम डिज़ाइन बना लिया है, तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अगर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे तो पत्ती और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अब ये डिज़ाइन बनाने के बाद में हमें तुरंत, यानी डायरेक्ट हमें नेक्स्ट पत्ती को जोड़ना है। तो हम यहीं पर पत्ती को जोड़ लेंगे दूसरी वाली, इस तरह से। तो सभी पत्ती में सेम ही डिज़ाइन बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। अब एक दो तीन चैन बनाई है मैंने, और फिर हम फर्स्ट वाले चैन में स्लिप स्टिच कर देंगे। सेम ही करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सेम उसी तरह से करना है। तो मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट चैन में जो पंख है उसकी नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच करूँगी, और फिर तीन चैन बनाऊँगी, और सेम इसी तरह से मैं सभी पत्तियों में डिज़ाइन बना लूँगी। तो आप देख रहे हो मैंने सभी पत्ती में डिज़ाइन बना लिया है, और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो सारी पत्ती में हम डिज़ाइन बना लेंगे, ठीक है। तो डिज़ाइन तो मैंने बना लिया है, लेकिन अभी इसमें डेकोरेशन बाकी है। डेकोरेशन बहुत ज़्यादा करनी है इसमें, हमें पर्ल लगाने हैं, स्टोन्स लगाने हैं। तो मैं आपको बता दूँ ये हमें कैसे कैसे लगाने हैं। तो सबसे पहले हम पर्ल लगाने के लिए नीडल का यूज़ करेंगे। तो मैंने नीडल ली है और इसमें ब्लू कलर का धागा डाला है, और पीछे अच्छे से नोट लगाया हुआ है। तो अब हम नीडल को पंख में निकालेंगे। तो हमें कहाँ पर डालना है, अब देखियो, यहाँ पर पंख के नीचे सेंटर में, यहाँ पर हमने नीडल को निकाला है। तो अब हमें वाइट कलर के पर लगाने हैं। तो मैंने टोटल 7 पर ले लिए हैं। तो हमें सभी पत्तियों में 7 पर लगाने हैं। तो इस तरह से हम पर को लगाएंगे, ठीक है। और अब हम नीडल को इस तरह से नीचे की ओर निकालेंगे, तो हम यहाँ पर नीडल को नीचे की ओर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। हमें सभी पंख में इसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से लाइन से पर लगाएंगे, सभी पत्तियों में हम पर लगा लेंगे। तो मैंने सभी पत्तियों में पर को लगा लिया है, और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। और आप देख रहे हो मैंने पत्तियों के सेंटर में भी पर को लगाया है। तो मैंने सभी पत्तियों में सेंटर में एक एक पर लगा लिया है। और अब हमें स्टोन्स लगाने हैं। स्टोन्स हमें पत्तियों के यहाँ पर, इस साइड, ऊपर की साइड लगाना है। तो हम स्टोन्स लगाएंगे। तो ये लाइट येलो कलर के हैं स्टोन्स, तो इनको हम पत्तियों पर लगाएंगे, यानी पंख पर लगाएंगे। और पंख पर लगाने के लिए हम इनको फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पर इस पत्ते पर लगाएंगे हम, तो फैब्रिक ग्लू लगाएंगे इस तरह से। तो मैंने फैब्रिक ग्लू लगा लिया है। अब मैं स्टोन्स लगाऊंगी इन सभी पर। तो मैंने स्टोन्स लगा लिए हैं पूरी पत्ती पर, तो ये इस तरह से दिखाई देगी। बाकी की हमें सभी पत्तियों पर स्टोन्स लगा लेने हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने स्टोन्स लगा लिए हैं, और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जल्दी से मेरे चैनल को बेबी पाल रानी को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन बटन है उसको भी आप प्रेस कर दें, तभी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।